से शुरू करती हूँ, ठीक है जी। जी मेरा नाम मोना वासु है और ये मेरी पहली पिक्चर है। इस फिल्म में माजी इस पिक्चर का नाम है और इसमें जो मेरा किरदार है वो एक प्यारी सी बीवी का किरदार है जो आज की औरत का किरदार है और उसकी ज़िंदगी में कैसे एक टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं और उसके वजह से उथल पुथल मच जाती है एंड हाउ शी डील्स विद इट। तो इट गेव मी, यू नो, दिस कैरेक्टर गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू पोर्ट्रे द स्ट्रेंथ एंड सेंसिबिलिटी ऑफ अ मॉडर्न एजुकेटेड येट सिंपल वाइफ वूमन। सो या, दैट्स माय कैरेक्टर। क्वार्टर्स की बात करें, कौन है जी मेरे साथ इसमें? मेरे ऑपोजिट है सुमित निझावन और वो मेरे हस्बैंड का किरदार प्ले कर रहे हैं। किस तरह की मूवी है, अगर माजी की बात करें जो टाइटल है, किस तरह की मूवी है? बड़ी प्यारी सी फिल्म है एक्चुअली। टाइटल के बारे में क्या कहना जी? जी ये एक कपल की कहानी है। मेरा जो किरदार है उसका नाम सृष्टि और मेरे हस्बैंड, उन दोनों की कहानी है जो एक सीधा सादा जीवन जीते हैं, बड़ा प्यारा सा जीवन जीते हैं। उनकी खूबसूरत सी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके वजह से पूरी ज़िंदगी हिल जाती है एंड देयर आइडेंटिटी, देयर वेरी एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड, देयर रिलेशनशिप इज थ्रेटन्ड एंड हाउ दे डील विद दैट एडवर्सिटी इज वॉट यू नो एंड वेदर दे आर एबल टू डील विद इट और नॉट इज वॉट द फिल्म इज अबाउट। सो यस, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट। So that's how much I can talk about it. Maazi actually means past, and yes, it's an Urdu word. It is an Urdu word. Maazi is an Urdu word, और उसका मतलब है अतीत। वो क्यों है वो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। So for that you have to see the film. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाइटल एक्चुअली, यू नो, जब डिस्कशंस हो रहे थे तो दिस वॉज वन टाइटल वेयर इन माई ओपिनियन आई यूज टू ऑलवेज स्टिक टू दिस टाइटल एंड से कि नो, जस्ट डोंट गिव दिस अवे बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड एंड इट इज़ वेरी एप्ट फॉर द स्टोरी। No, it is not a suspense thriller. जी अभी भाई देर आए दुरुस्त आए, शुक्र मनाइए कि मतलब आ तो गए। जी हाँ जी जी, बहुत सारा रोमांस है पिक्चर में। नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं कभी। आप मेरे अगर और भी किरदार जो भी अगर आपने मेरा काम देखा होगा आप देखेंगे तो हर कैरेक्टर दूसरे से अलग निभाया है मैंने एंड दिस स्टोरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। सो ऐसा कभी मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आया कि वाइफ का कैरेक्टर है या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रोमांटिक स्टोरी। सो दिस क्वेश्चन नेवर केम इनटू माय माइंड। I love the music of the film. It is one of the biggest assets of the film. और especially मेरा तो एक तरह से, you know, it was like a dream के रेखा जी मेरी बहुत ही पसंदीदा singer हैं और मेरा ये dream रहा है कि उनके गाने पर मैं you know act कर सकूँ। तो मुझे वो opportunity इस film में मिली है and I'm very happy about that. पिक्चर में चार गाने हैं और चारों ही बहुत ही अलग अलग टाइप के गाने हैं। आइटम सॉन्ग भी है और खूबसूरत सा रोमांटिक नंबर भी है, हर टाइप का म्यूजिक है एंड ईच सॉन्ग इज डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। थैंक यू। मेरा नाम सुमित निझावन है। सुमित जी, जो फिल्म की बात करें इसमें क्या किरदार है आपका? मेरा किरदार तरुण सिंह का है जो अपनी पत्नी सृष्टि के साथ मसूरी के पहाड़ों में एक
प्लांट्स की नर्सरी चलाता है, प्लांट्स की नर्सरी चलाता है और उसके तहत एक सामान्य सा जीवन जीता है अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ। और इसी सामान्य जीवन जीने के तहत एक अप्रिय घटना हो जाती है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी के ऊपर एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उस प्रश्न चिन्ह को वो कैसे मिटाएगा इस बारे में पूरी माजी की कहानी। किस तरह की स्टोरी है, अगर बात करें सस्पेंस थ्रिलर है, क्या है लव स्टोरी है? बेसिकली इट्स अ थ्रिलर। आपके साथ को आर्टिस्ट की बात करें कौन है, बात की बात करें? मेरी फिल्म में इस फिल्म में मोना वासु हैं, जाकिर हुसैन हैं, मनीष चौधरी हैं, मोहम्मद ईशान अयूब हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, मानव कौशिक हैं, आई बिलीव मुकेश ऋषि जी हैं, एंड आई बिलीव सारे मतलब कमाल के कलाकार हैं। और मेरा मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने इस फिल्म में मेरे साथ अभिनय किया। जी, टाइटल की बात कीजिए, माजी क्या है टाइटल अगर बात करें? माजी बेसिकली मीन्स पास्ट आपके, और कहानी जो है बेसिकली उसमें जो कुछ प्रश्न चिन्ह जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो उठते हैं वो जो प्रश्न चिन्ह है उनके जवाब जो हैं वो माजी में छिपे हुए हैं, उसके पास में छिपे हुए हैं। जहाँ तक आपने कुछ प्रोमो दिखाया उसमें कुछ बैड सीन भी हैं, तो किस तरह के इसमें कुछ आइटम्स होंगे या कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो? नहीं, मतलब नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब कुछ है फिल्म के अंदर। तो जहाँ जहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर आपको लगता है बैड सीन होने चाहिए तो वो हैं, लेकिन वो सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी के लिए जो जो चीज़ जरूरी है वो सारी चीज़ें हैं। म्यूजिक की बात करें, किस तरह का म्यूजिक है इसमें? सर मतलब किस तरह का म्यूजिक है, म्यूजिक को मैं मतलब टाइप कास्ट नहीं करता हूँ कि किस तरह का म्यूजिक है। मैं सोचता हूँ कि म्यूजिक वो है जो कानों को प्रिय लगे, तो हर प्रकार का म्यूजिक म्यूजिक ही होता है, तो इसलिए किसी एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक नहीं है। बट हाँ, इट्स अ वेरी होलसम एल्बम और इसमें क्लासिकल भी है, इसमें सो कॉल्ड आइटम सॉन्ग भी है, सो कॉल्ड रोमांटिक सॉन्ग भी है, एंड बाकी आप लोग एक बार सुनेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा किस तरह का म्यूजिक। आइटम सॉन्ग की बात करी, हाँ जी, तो आइटम सॉन्ग में कौन है? जी, एक नई कलाकारा है जिनका नाम है पूजा बिष्ट, मिक्का जी ने गाना गाया है मंजीरा जी के साथ, एंड हमारे कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं फिल्म में फैजान एंड आग्नल, जिनकी ये पहली फिल्म है। तो आई बिलीव यू गाइस वन लाइक द फिल्म एंड द म्यूजिक। क्या मतलब एक कलाकार से आप पूछेंगे तो सबसे ज्यादा उम्मीद इसी फिल्म से है। इससे पहले अगर फिल्मों की बात जी, मैंने लास्ट मेजर रिलीज थी वो जन्नत 2 थी, उससे पहले रामगोपाल वर्मा जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की थी जिसमें मैं मुख्य विलन था, उसके बाद पहले उससे पहले मैंने फंस गए रहे ओबामा की थी सुभाष कपूर के साथ, एंड बाय फार टिल नाउ दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। So I'm really looking forward to it and I hope you guys, when you look at it, you really like it. Thank you.